तो जय माता की राधे राधे आप सभी को। तो इस बार 2023 में 6 अप्रैल को हनुमान जयंती आ रहा है, इसके लिए श्री कौशिक महाराज जी ने कुछ पूजा करने का विधि बताया है, वही मैं आप सबको शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं भी ऐसे ही करने वाली, तो मैंने सोची 2 दिन पहले वीडियो बना दूँ जिससे आप सबको भी इस वीडियो का फायदा मिले और हनुमान जी की कृपा आप सबके ऊपर भी बनी रहे। तो चलिए मैं बताती हूँ। पहले स्नान करके आप लाल वस्त्र पहन लीजिए, उसके बाद बजरंग बली का जो भी आपके घर में फोटो विग्रह जो भी हो उनको लाल कपड़े पर चौकी पर विराजमान करके उनको धूप दिखा के फूल अक्षत ये सबसे पूजा कर ले और सिंदूर जरूर लगाएं और उनको लड्डू का भोग लगाना है, तो पीले कलर का जो लड्डू आता है उसका भोग लगाएं और उनके सामने 3 दीपक लगाना है, एक दीपक चमेली का तेल का रहेगा, एक देसी घी का और एक राई का तेल का, तीनों दीपक लगाना है। तीनों दीपक लगाने के बाद अच्छे से जब आपका पूजा हो जाएगा तभी आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। पाठ करने से पहले आपको संपुट में लगाना है, दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। फिर आपका जब पाठ अंत होएगा फिर से यही बोलेंगे, दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। तो आप चाहें तो 7 बार पाठ करें, 11 बार पाठ करें, जितना बार आप कर सके उतना बार करें। अगर आप इतना बार नहीं पढ़ सकते हो तो एक बार जरूर हनुमान चालीसा पढ़ें और उसकी शुरुआत में संपुट लगाएं और अंत में भी संपुट लगाना ना भूलें। अगर आप दिन में व्रत रखना चाहें तो पूरा दिन व्रत रखें, नहीं तो जब तक आप पूजा कर रहे हैं तब तक के लिए भी व्रत रख सकते हैं और ये उपाय आप मंदिर में भी कर सकते हैं, घर में भी कर सकते हैं। इस तरह से भी आप करेंगे ना तो आपके घर में हनुमान जी की अपार कृपा जरूर प्राप्त होगी, क्योंकि ये श्री कौशिक महाराज जी ने बताया हुआ है और बहुत अच्छी बताते हैं और मैं खुद करने वाली हूँ, इसके लिए आप सबको शेयर की हूँ जिससे कि आप सबको भी इसका फायदा मिले। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता की, राधे राधे आप सभी।